देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। लखीसराय जिला से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। जाति जनगणना से आधारित ट्रेनिंग प्रखंड कार्यालय चानन में फील्ड ट्रेनर संघ आईटी सहायक के द्वारा गुरुवार की दोपहर प्रखंड कार्यालय के सभागार में जाति जनगणना से आधारित ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग जातीय जनगणना पर आधारित होने के कारण लोगों को दी जा रही है। दी गई जानकारी में ये ट्रेनिंग 15 अप्रैल से 15 मई तक होना जारी है। इसके लिए फील्ड ट्रेनर संघ आईटी सहायक के द्वारा ये सारी जानकारियां दी जा रही है। इन जानकारियों को पाने के लिए 40-40 लोगों का बैच तैयार किया गया है, जिससे किसी को ट्रेनिंग लेने में दिक्कत न हो और सबको प्रशिक्षण आसानी से समझाते हुए दिया जा सके। इसका ट्रेनिंग है जो कि जाति आधारित जनगणना से संबंधित है। जाति आधारित जनगणना 15 अप्रैल से 15 मई तक होगी। इसके संबंध में सभी प्रशिक्षुओं को जानकारी दी जा रही है फील्ड ट्रेनर और आईटी सहायक के द्वारा। है जो कि 120 प्रगणक को करवाया जा रहा है, तीन बैच में 40-40 का एक बैच है, सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गणना का द्वितीय फेज का प्रशिक्षण स्थल ये चानन के प्लस टू उच्च विद्यालय मननपुर है। आज जो है 6 सर्किल 6 पर्यवेक्षकीय क्षेत्र के अधीन, यहाँ 6 पर्यवेक्षक के अधीन 6-6 पर्यवेक्षक हैं। इस प्रकार से यहाँ कम से 108 प्रगणकों का आज प्रशिक्षण हुआ है और सुबह 10 बजे से 5 बजे यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है। आज के दिन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है। ऑफलाइन के अंतर्गत जो डाटा लिया जाएगा 17 कॉलम है और 17 कोड भी है, तो हर एक परिवार के लिए एक एक फॉर्म हार्ड कॉपी में लिया जाएगा। साथ ही साथ जो जातीय गणना का ऐप बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसके तहत जो ऐप के माध्यम से हर एक दिन जितने भी प्रगणक हार्ड कॉपी में लेंगे वही ऐप पर भी लोड करेंगे। यही प्रशिक्षण का है और वास्तविक जो गणना होगी वह 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होना है और हर एक प्रगणक 6 प्रगणक पर एक पर्यवेक्षक है जो उसका सुपरविजन करेंगे। इस प्रकार से यह काम 1 महीने का है जो 15 अप्रैल से शुरू होगी और 15 मई तक चलेगी। हम शशिकर प्रसाद मेहता, वरिष्ठ मास्टर ट्रेनर चानन।